राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है, अतः हमें अपने शिक्षण संस्थानों को और भी प्रतिष्ठित एवं विश्व स्तरीय बनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के विख्यात शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है, जिसमें स्थानीयता और रोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों युवाओं को बेहतर शिक्षा मिले, यही हमारा लक्ष्य है। सीएम साय ने यह भी कहा कि अटल बिहारी विश्वविद्यालय के होनहार छात्र अपने आने वाले भविष्य को गढ़ने वाले हैं। हम 2047 के विजन पर काम कर रहे हैं। इस विजन पर हमारे प्रतिभाशाली छात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक स्तर पर बनाना होगा। छात्रों को संस्कार मूलक शिक्षा देना जरूरी है एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह विश्वविद्यालय भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से संबंध है, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से मुझे प्रतिभाशाली युवाओं के बीच में आने का, उनसे अपने विचार साझा करने का, उनकी उम्मीदें साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह एक सुयोग है कि देश विकसित भारत 2047 के संकल्प हेतु क्रियाशील है। हम भी प्रदेश में विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इस दीक्षांत समारोह के बाद इस संस्थान के प्रतिभाशाली युवा अपनी रुचि के क्षेत्रों में अपना और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हुए इस संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यह विश्वविद्यालय अपने नवाचारों से एक उदाहरण बनता जा रहा है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय सही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने में निरंतर अग्रणी रहा है, जिसके लिए मैं कुलपति सहित विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे यह भी याद हुआ है कि पीएम उषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है, जो प्रशंसनीय है, तथा इससे विश्वविद्यालय की अधोसंरचना का विस्तार होगा और यहाँ उच्च शिक्षा का स्तर और भी उन्नत होगा। हमें तक्षशिला नालंदा जैसे भारतीय परंपरा के विशिष्ट विश्वविद्यालय को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में प्रोत्साहन देना होगा। भारत हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। हमें पुनः विश्वविद्यालयों को उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाने में प्रयासरत होना पड़ेगा। हमें वही प्रतिष्ठा फिर से अर्जित करने के लिए हमारे शिक्षण संस्थाओं को विश्व स्तरीय बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विख्यात विशेषज्ञों द्वारा लंबे और व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाई गई है। यह शिक्षा नीति भावी परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को उनकी क्षमता के अनुसार स्वायत्तता दी गई है। विद्यार्थियों को रुचि के विषय चुनने के पर्याप्त विकल्प दिए गए हैं। हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक साथ दो उपाधि प्राप्त करने के लिए भी स्वीकृति दे दी है, जिसे इस विश्वविद्यालय के द्वारा भी लागू कर दिया गया है। इसका लाभ भी छात्रों को मिलने वाला है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का टापू बनकर न रहे, समाज से सरोकार रहे, समाज एवं राष्ट्र में विश्वविद्यालय का योगदान हो तथा निरंतर शोध कार्य हो, ऐसा इस संस्थान से हमारी उम्मीद है। आधुनिक युग में युवा पीढ़ी शिक्षित तो हो रही है, परंतु उन्हें संस्कारों से जोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने विशेष संस्कृति के लिए जाना जाता है, अतः छात्रों को संस्कार मूलक शिक्षा देने की व्यवस्था के लिए प्रयास करना होगा। मुझे आशा है यह विश्वविद्यालय इस दिशा में भी
अहम भूमिका निभाएगा। आप सभी छात्रों का भावी जीवन और स्वास्थ्य सफल हो, आप अपने अभिभावकों और गुरुजनों की अपेक्षाओं को पूरा करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर हमारे कुलपति जी इस यूनिवर्सिटी के और आगे विकास के लिए कुछ मांगे रखी हैं। मैं आज इस अवसर पर घोषणा करता हूं कि यहां पर नए विभागों का खोलने का उनका जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। विश्वविद्यालय में निर्मित सांझी हॉस्टल वो भी शुभारंभ करेंगे और अतिरिक्त जमीन की भी आवश्यकता उन्होंने महसूस की है तो यहाँ पर अतिरिक्त जमीन भी उनको मुहैया कराएंगे। अंत में फिर से मैं आज जो भी पुरस्कृत हुए अलंकृत हुए ऐसे सभी महानुभावों को हमारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए और इस संस्थान का नाम रोशन करें और उनके अर्जित शिक्षा का लाभ हमारे राष्ट्र को प्रदेश को और समाज को मिले, यही मैं शुभकामनाएं देते हुए अंत में आप सभी का फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।